हेलो दोस्तों, तो जैसे आपने एक वीडियो देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ जो नहीं देखे होंगे फटाफट देख लीजिएगा, GIPN का, जिसमें डिटेल दिया था कि डिटेलिंग प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। अब वही स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली होता कैसे है। आप ये जो देख पा रहे हैं ये एक फर्नेस है दोस्तों, है ना। ये फर्नेस में जो पोर्शन, जैसे मैंने कहा था कि ये पूरा 20 mm का रॉड है, इसका डायर 20 mm है, ठीक, और ये 25 cm इसका लेंथ है। So, ये जो 20 mm डायर रॉड है, इसको जिस पोर्शन को हमको कन्वर्ट करना है 18 mm में, 18 mm में, तो उस पोर्शन को यहाँ पे रख के हीट करते हैं। हीटिंग के लिए क्या करेंगे, इसको रखेंगे, इसके ऊपर अपन जो फ्यूल है, जैसे कोल है ना, इन जनरल यहाँ पे कोल यूज होता है, सो कोल हम डाल देंगे और ये वाला पोर्शन आपका रेड हॉट कंडीशन में, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर आ जाए इस कंडीशन में, इसको हीट कर देते हैं, इस कंडीशन तक ले आते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको यहां से उठाएंगे और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक स्वैगिंग मशीन है जिसमें हम स्वैगिंग करेंगे, ठीक। स्वैगिंग का पर्पस आपको पता होना चाहिए, अगर मेटल फॉर्मिंग पढ़ते हैं इंजीनियर्स तो आपको आइडिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुझे लगता है कि आपको पता है कि स्वैगिंग में क्या करते हैं। बेसिकली क्या करने वाले हैं कि ये आपका हीटेड जो पोर्शन है, टोटल तो 20 mm है, जो आपका ये जो डाया है वो 20 mm है, लेकिन मैं इस डाया का कुछ पोर्शन 18 mm कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ताकि जब मैं डाई में इसको रखूं 18 mm वाला ऊपर होल्ड करे, नीचे 20 mm का 20 mm रहे, तो नीचे 20 mm होल्ड करे। सो ये आप एक देख पा रहे हैं, ये आपका फोर्जिंग मशीन ही है ना, इसमें स्वैगिंग प्रोसेस हम करते हैं। नीचे यहाँ पे डाई लगे हुए हैं, ये डाई लगा हुआ है, ये फ्लाई व्हील है आप देख पा रहे हैं, ऊपर आपका मोटर है जहां से इनपुट मिलने वाला है, ये फ्लाई व्हील की मदद से जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो उस समय हमको एनर्जी मिलता है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद ये अगर हमारा 18 mm में जैसे कन्वर्ट हुआ, ऊपर वाला पोर्शन 18 mm इसमें रख के कन्वर्ट कर दिया, नीचे अभी भी 20 mm है, उसके बाद इसको यहां से उठा के ला के यहां पे डाला जाता है, और ये जो डाई है ये कुछ इस प्रकार से रहता है, नीचे 20 mm और ऊपर जो है वो 18 mm, तो ये 18 mm में फिट हो जाएगा, ये 20 mm में फिट हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं एक फोर्जिंग मशीन है, इसमें भी आपका एक मोटर लगा हुआ है, ये आपका पूरा सेटअप आप देख पा रहे हैं कि जब एनर्जी चाहिए रहेगा तो वहां से एनर्जी वो रिलीज करेगा, फ्लाईव्हील वाला पोर्शन है आपका। सो ये जो फोर्जिंग मशीन है इसमें रख के हम फोर्ज करते हैं, उसका वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। और ये नीचे वाला पोर्शन बेसिकली इस तरीके से हम कुछ कन्वर्ट करते हैं, आपको मैं रिंग दिखाता हूँ, वो यहाँ पे आने के बाद ये ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कि ऊपर 18 mm ये दबा, यहाँ पे रिंग बना, नीचे पूरा 20 mm, ठीक। सो ये प्रोसेस यहाँ पे आपका होता है। इसके बाद कुछ स्टेप्स, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे थ्रेड चाहिए, यहाँ पे थ्रेड चाहिए, सो इसको कैसे करेंगे इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं।